अरे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? हम लोगों ने बिट्टू को बुलाने आया हूँ। वो बिट्टू से क्या बात करना है? बुलाओ, हम लोग देखता हूँ। अरे बिट्टू को किस नाम से बुलाओ? बिट्टू तो आजकल पुष्पा भाऊ हो गया है, बिट्टू को उसी नाम से बुला, नहीं तो बिट्टू ने हम लोग की हालत बहुत खराब कर देगा। पुष्पा भाऊ, पुष्पा भाऊ, पुष्पा भाऊ, क्या है, किसको चाहिए? पुष्पा भाऊ अंदर है, पुष्पा भाऊ को बुला दीजिए। पुष्पा भाऊ से थोड़ा बातें करना था। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे कोई पुष्पा भाऊ नहीं रहता है। और पुष्पा भाऊ किसको बुला रही हो? पुष्पा भाऊ कौन है? अरे तुम्हारे लड़के के नाम ही तो पुष्पा भाऊ है। अरे मेरे लड़के के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, उसका नाम बिट्टू है, उसका नाम ऐसा नहीं है। अरे भाई किसने मुझे बुला रहा था? अरे पुष्पा भाऊ तुम्हें हम लोगों ने बुला रहा था। अरे कौन है पुष्पा? पुष्पा बोल रही हो? पापा मेरा नाम ही पुष्पा है, मैं मेरा नाम बदल चुका हूँ, मेरा नाम पुष्पा भाऊ है, मैं सभी लोगों के पास पुष्पा भाऊ नाम से पहचान बना रहा हूँ। चलो आज मुझे कॉलेज जाना है। अरे बिट्टू तुम तो अच्छे नाटक कर लेते हो, अपने पापा के सामने अच्छे बनने का अच्छा सा नाटक कर रहे हो। अरे चुप कर, और ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा हड्डी पसली अलग कर दूंगा। कौन तू? तू मेरा हड्डी पसली अलग करेगा? आजा आजा देखता हूँ, आजा ले 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 और ले और ले और ले 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 ले। अरे भाई और पहले जैसा मजा नहीं आता है, क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या हो गया? अरे नहीं भाई, अरे क्यों ना बोलू, हम लोगों ने पहले कॉलेज में कितना सारा रैगिंग करता था, और तुम अब बहुत बदल गया हो, पहले जैसा रैगिंग नहीं करते हो। अरे किसने बोला तुझे? चलो दिखाता हूँ मेरा कमाल। अरे कौन है तू? इधर कहाँ से चले आ रही हो? जाओ हटो यहाँ से। अरे भाई मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पा भाव, आज तक मुझे रोकने का हिम्मत किसी ने नहीं किया है, हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे चला जा इधर से, मुझे पता नहीं है हम लोग इस कॉलेज का सीनियर लड़का है, हम लोगों से पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है तो आजा मेरे साथ लड़के दिखा, देखता हूँ तुम लोगों के अंदर कितना हिम्मत है। ले 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 और ले और ले ले और ले 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 ले। अरे और पढ़ाई करने का मन नहीं करता? अरे मैंने सोचा था कि थोड़ा पढ़ाई कर लूं और पढ़ाई करके अच्छा बन जाऊं, लेकिन तुम लोगों की वजह से मेरा पढ़ाई करने का मूड बिगड़ गया और पढ़ाई करने का मन नहीं करता। अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है बताते जाओ? पुष्पा, पुष्पा भाव। मेरा नाम है पुष्पा भाव, और सुन ले मैं मारता हूँ इधर और लाश जाके गिरता है शमशान में। तुम लोगों का नसीब तो अच्छा है, नहीं तो तुम लोगों ने भी शमशान में जाके गिरता। अरे बिट्टू नहीं पुष्पा भाव, तुमने तो कॉलेज गया था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी क्यों चला आया हो? अरे दोनों लड़के ने मेरा पढ़ाई करने का सारी मूड बिगाड़ दिया है, मेरे मूड बिगाड़ने के लिए दोनों को धुलाई करके आया हूँ। अरे तुम तो आजकल बहुत चेंज हो गए हो। अरे ये सब बात छोड़, मुझे थोड़ा सा दारू चाहिए और थोड़ा चखना चाहिए, तुम लोगों के बातों पे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इधर से जाना पड़ेगा। अरे हम लोगों ने इधर कोई फालतू के बात कर रहा था कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बोल रही हो? अरे फालतू के बात नहीं तो क्या है, ये सब फालतू के बात मुझे सुनने का कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हें फालतू के बात लग रही है तो रुको तुम्हें दिखाता हूँ। ले ले और ले 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 और ले। अरे भाई सुन, हम लोगों की मम्मी पापाओं ने सर की पसीना पैरों में गिरा के पैसे इकट्ठा करके हम लोगों को भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, और ऐसे बंदों ने कॉलेज में जाके क्या करते हैं, पढ़ाई के नाम पे ये सब रैगिंग के कर्मा निकलने लगते हैं, जिससे क्या होता है ये लोग तो बिगड़ते हैं और इन लोगों के साथ साथ और भी कई सारे लड़कों को खींच के अपनों के अंदर शामिल कर लेते हैं। और जो बंदों ने अपने सच्चे दिल से पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आते हैं और अपनी मम्मी पापा की इतनी सारी तकलीफ को याद करके उन लोगों की तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई करके कुछ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है इन लोगों की रैगिंग के चक्कर में पड़ के कई सारे लड़कों ने पढ़ाई छोड़ देते हैं, इस रैगिंग के चक्कर में पड़ के अपने जान भी गवा देते हैं, इसीलिए इन लोगों को मैंने सबक सिखा के आया हूँ। दोस्तों हमारे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना।